हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। ये स्टॉक भूलकर भी मत बेचना, बॉम्ब है, बॉम्ब कभी भी फट सकता है। चलिए जानते हैं कौन सा ये स्टॉक है, क्या इसके फंडामेंटल है, क्या इसके टेक्निकल लेवल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। गुड क्वालिटी का यह स्टॉक है, गुड क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसके सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 16.34, आप इसकी ईबीआईटी ग्रोथ देख लीजिए 12.85, आप इसके नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए नेगेटिव नेट डेट, आप इसके प्लेज शेयर देख लीजिए 0, जो कि एक बढ़िया बात है। अब हम उसके वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो भी वैल्यू 621 से 838 के बीच में होगी ये इसको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 59.10, आप इसकी इविट टू इबिटा रेशियो देख लीजिए 38.24, आप इसकी आरओसी देख लीजिए 34.81, आप इसकी आरओई देख लीजिए 18.66। अब हम इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसकी नेट सेल्स देख लीजिए 9.27% की एक बेहतरीन अपसाइड दिखाई दे रही है। आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए 5.70 की एक बेहतरीन अपसाइड दिखाई दे रही है। आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए 0.04% की एक बेहतरीन अपसाइड दिखाई दे रही है। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो पिछले ईयर से इस ईयर का रिजल्ट होता है। आप इसके नेट सेल्स देख लीजिए 21.82%, आप इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देख लीजिए 18.66%, आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए जिसमें हल्का सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो है 0.86%। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास 59.55% की बेहतरीन होल्डिंग है, FIIs के पास 27.28% की एक बेहतरीन होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3.88% की एक बेहतरीन होल्डिंग है। आप इसमें देखिए प्लेज शेयर का कोई भी चक्कर नहीं है, हालांकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 5.85% की होल्डिंग है। चलिए जानते हैं कौन सा है स्टॉक और देखते हैं कौन से टेक्निकल लेवल पे बाय करना चाहिए। अब तक हम बात कर रहे थे हैवेल्स इंडिया के बारे में। हैवेल्स इंडिया एक बेहतरीन केबल और जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है उसमें एक नंबर वन पे कंपनी आती है। चलिए देखते हैं कौन से टेक्निकल ये बाय करना चाहिए। आप इसके चार्ट को देखिए, लगातार इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए आप, इसने इधर सपोर्ट लिया, फिर इधर सपोर्ट लिया, फिर ये अपसाइड देकर एक बेहतरीन अपसाइड देकर इधर भी सपोर्ट लिया, बाद में इस लाइन को टच नहीं किया है। और जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है वो ये है, देखिए इधर से रेजिस्टेंस लिया, इधर भी है, और देखिए इधर भी ले चुका है। अब जो उसका फर्स्ट मीन्स का सपोर्ट होता है वो इस लाइन पे है, जो है 720 के करीब। देखिए इस दो बार इधर आके ऊपर चला गया है, जो इसका फर्स्ट टारगेट अभी निकल रहा है, जो उसका फर्स्ट मीन्स के बाइंग जोन है, सपोर्ट बोलते हैं उसको 720 है। और जो दूसरा सपोर्ट जोन है उसका 667 है, यह इधर है। आपको ये गिरावट में कहीं ये दो लाइन के बीच में मिल जाए तो आप इसे एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बाय कर सकते हो। चलिए ये तो हो गए टेक्निकल लेवल की बात। और आपको भी किसी भी ऐसे स्टॉक के बारे में जानना हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, बाद में उस पर एक सेपरेट वीडियो डालेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।